सम्मिलन विद्यालय सैरकपुर विकास क्षेत्र धनोरा जनपद अमरोहा के विद्यालय में आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये हमारे स्कूल के बच्चे एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और शुरू होता है नाटक। मुझे पनिशमेंट मेडल क्यों बना रही हो मीना? अरे आंटी आप देख नहीं रही अंकल इतने सारे पेपरों का वेस्ट कर रहे थे, आपने एक ही बार अंकल को नहीं रोका कि इतने सारे पेपरों का वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको पनिशमेंट मेडल पहनाया जा रहा है। और भैया ठीक है? हाँ बढ़िया। घर में सब ठीक? हाँ। और कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं घर नहीं जा रहे। अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, आपने बाइक खुली छोड़ रखी है और कहीं जा भी नहीं रहे हैं। मैंने क्या किया है? टीवी खुला छोड़ रखा और फैन भी खुला छोड़ रखा है। आपको पता नहीं है बिजली खाना पानी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसे में टीवी ऐसे ही खुला छोड़ देना बिजली की कितनी बर्बादी है। आज भी भारत के बहुत से गांवों में बिजली की समस्या है, अगर आप थोड़ी सी भी बिजली बचाएंगे तो उन गाँवों को भी बिजली मिल जाएगी और वहाँ भी रोशनी पहुँच जाएगी। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, अब मैं पंखा और टीवी खुला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको पनिशमेंट मेडल तो फिर भी दिया जाएगा। अरे अंकल आप क्या कर रहे हो? अरे हम बात कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है अंकल, आप ज़्यादा समय तक बात करने से आपके कान के पर्दे खराब हो सकते हैं और लंबे समय तक फोन देखने से आपकी आँखें खराब हो सकती हैं। ये बात आपने सही कही, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा फोन नहीं देती। अरे अंकल आपको तो पनिशमेंट मेडल जरूर मिलेगा। आप बताओ आप कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। अरे आंटी आपने टंकी खुली छोड़ रखी है। अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। ये पानी कितना वेस्ट हो रहा है आपको पता है? पानी पानी को बेकार में बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी
पानी की कमी हो जाएगी, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब से मैं आगे को पानी का ध्यान रखूंगी और आगे से वेस्ट नहीं करूंगी। आपको पनिशमेंट मेडल भी दिया जाएगा। सभी को जिन्हें जिन्हें मेडल मिला है वो शाम 4 बजे मैदान में इकट्ठा हो जाएं। आप सभी को आपका पनिशमेंट बताया जाएगा। आंटी आप सब हमारी बात मानकर यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं आपका पनिशमेंट बताती हूँ। आपका पनिशमेंट ये है कि आप सबको एक एक पौधा लगाना होगा। देखो ये बच्चे तो हमसे भी कितने समझदार हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अब हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे हर एक चीज को बचाने की। धन्यवाद धन्यवाद।